क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज शाम के समय में ब्लॉग शूट करो, अभी 5 बजने वाले, पूरा 5 बज रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, बहुत आदमी दिख रहा है यहाँ साइड सबसे। और टिकट मिल चुका है, हॉल टिकट मिल चुका है, तो हम मामा मामी भैया जा रहे हैं देखने के लिए। तो 8 बजे का शो है, 8 बजे जाएंगे देखने के लिए। और कहाँ का है ये ध्यान में नहीं आ रहा है, जो है कहाँ का एक्चुअली, मतलब कहाँ का हॉल है, सिनेमाघर कहाँ का है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। भैया बुक किए हैं तो पता नहीं चल रहा है कहाँ का है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो नबीना सिनेमा ऐसा ही कुछ है। बाद जब जाएंगे ना, बाकी जब जाएंगे तब दिखा देंगे जो कहाँ आए हैं, नहीं आए, कहाँ कहाँ पे हैं, अभी नहीं है, दिखा देंगे जब जाएंगे वहाँ पे तब दिखा देंगे। और क्लिप सब भी दिखाएंगे आप सबको, छोटा क्लिप सब दिखाएंगे, ज़्यादा देखेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा ना, तो छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक ही बार जाते समय में, ठीक है? 2000 years later. चलिए मामी। yeah. हाँ भैया सामने जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। बहुत भीड़ है, पीछे में तो और भीड़ था। मामी मामा और यहीं पे आए हैं, देखिए नवीना, देखिए नवीना सिनेमा यहीं पे आए हैं। पूरा लाइन देख रहे, कितना लाइन है। चलिए ले लीजिए, वहाँ पे ले लीजिए, वहाँ पे जो लेना है ले लीजिए। देखो क्या भैया लेगा वो देखो ना। भैया को ये चिप्स अच्छा लगता है, ये वाला दो ठो ले लो, बीस वाला हाँ, 20 वाला सही है, 20 वाला है, एक और ले लीजिए, दो नहीं अनेक दाम नहीं है उसका, 35 रुपए ले रहे हैं। हाँ हॉल में जाएंगे ना, हॉल में लेकर के हॉल में जाएंगे ना, इसलिए ले ले रहे बाहर से। ये वाला 300 दोस्त का 20 वाला लो ना, और एक का दून दिन ना, पूरे 20 वाला एक एस वाला एटा ही दिन एक का ओ अरे को दो। हां जाना शुरू हो गया, टिकट चेक करा वहाँ पे। चलिए पूरा अंधेरा। चलिए मामा आस्ते आस्ते, पूरा ठंडा सामने, कितना बड़ा है देख सकते हैं। ये
बॉयज को लो कैसे इतना बड़ा है। अच्छा इधर से कोई मारता है ना कहीं से? हाँ ऊपर से तो नीचे सर। अच्छा नीचे से मार। इसका प्रोजेक्टर नीचे है, लोग बहुत ऊपर में देख। बहुत बड़ा है। देख सकते हैं बहुत बड़ा है। कितना ऊपर लेने का एक दिक्कत है, यहाँ पे आदमी सब बैठेगा ना तो थोड़ा सा स्किन कट जाएगा। यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा सा कट जाएगा, नीचे का पार्ट कुछ कटेगा जिस हिसाब से अभी कट रहा है, तो ऊपर लेने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अभी शुरू हो गया है, देख रहे हैं। अभी शुरू हो चुका है, सो देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया। भाई हालत खराब है भाई साहब, अभी आधा हुआ है अभी पिक्चर। ये रखा हूँ खाने के लिए बट मैं खा नहीं पा रहा हूँ। आधा घंटा हो गया हाथ में रखे हुए, खा नहीं पा रहा हूँ। तुमने कश्मीर में क्या देखा? हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है और इस जन्नत में ऋषि आते हैं और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया है कश्मीर। गुड ओपनिंग। किन्होंने देखा? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं है। बेटा अभी देख के निकल चुके हैं हम, देख सकते कितना भीड़ है अभी। गाड़ी आ चुका है, चलिए भाई चलिए, मैं ही जाता हूँ पहले। आ जाइए। मामर वॉलेट तुम्हारे तो देखिए, पहले चेक करिए, पहले चेक करिए। नहीं नहीं हाँ तो अभी देखे तो है, वो बाद की बात है, पहले चेक करिए। 2000 years later। तो ये मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दिन में, वो इसलिए रात में मैं जब मूवीज देख के आया था तो 11:30-12 बज गया था। रात में आते थे घर तो नहीं एडिट कर पाए हम, सो गए थे, एडिट नहीं कर पाए। तो अभी शूट कर रहे हैं, अभी जाकर के एडिट करेंगे। अभी 8:30 करीब हो रहा है तो अभी एडिट करेंगे। और मूवीज के बारे में बताएं तो हम रात को ब्लॉग एडिट करते हैं बट मेरा शरीर पूरा थर थर कांप रहा था, मतलब जो सब देखे ना, मतलब क्या बताएं, मतलब शरीर अलग टाइप का हो रहा था, मतलब थर थर कांप रहा था मेरा जो सब सीन सब देखे हैं, तो एडिट नहीं कर पाया हम, नहीं तो रात को ही करते। मतलब मूवीज के बारे में क्या बताएं, क्या मूवीज, मतलब क्या क्या हुआ है कश्मीर में,
मुझे तो कुछ नहीं पता था, बट इतना देखे हैं तो इतना नॉलेज आया है, इतना समझे हैं जो इतना ऐसा हुआ है कश्मीर में, तो क्या बताएं कॉलेज। मामी को भी पूछ रहे थे लेकिन मामी बोलने की हालत में नहीं थी, मामी को भी इतना ये लग गया है, बोलने की हालत में नहीं थी, मामी भी नहीं बोल पा रही थी कुछ भी। ऐसे ऐसे सीन देखे सबसे, मतलब बहुत दुख, मतलब मेरा शरीर पूरा, मतलब क्या बताए, सब मतलब सबसे बड़ा झटका तब लगा था ना, मतलब जब मशीन में ना काट देता था, लकड़ी चीरने वाला मशीन है ना, उसमें बाप रे बा, उसमें चीर दिया था, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा मुझे ये हुआ था। ओ शिट, बहुत ये मूवीज है, नहीं जो लोग नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि तभी समझ में आ जाएगा कि कश्मीर में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन मैं देख के आया हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ था। बच्चा तक को नहीं झोरा था यार, बच्चा तक को नहीं झोरा था बच्चा तो को नहीं झोरा था, छोटा सा बच्चा था, जैसे कृष्णा है, कृष्णा का बड़ा भाई जो था उनको भी मार दिया था, कितना बड़ा था, 10-11 साल का होगा, उनको भी गोली ठेंस से मार दिया था, लास्ट में पूरा जमीन के अंदर में गड्ढा हुआ था, वहां पे एक लाइन से गोली मारते जा रहा था, वहां पे भी बहुत खतरनाक ये लग रहा था मुझे, एक लाइन से खड़ा है सब और सबको गोली मारते जा रहा है, खड्डा में गिरते जा रहा है सबको, वो सीन भी मतलब ये करके रख दिया था, सभी हॉल में जितना लोग था ना सबका ये हो गया था, वो सीन दे करके। फिर आरी में जो काटा, वो जो लकड़ी चीरने वाला मशीन होता है उसमें जो लेडीज को काट दिया कृष्णा मम्मी को, तो वहां पे भी सब पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया था, मतलब अलग टाइप का माहौल हो गया था हॉल में भी। उफ, तो यही था, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।